व्यूअर्स, दिस इज़ मारूफा नवाज़ अहमद एंड यू ऑल आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो मैं खड़ी हूँ अहमदाबाद में, जी हाँ, यहाँ मेरी अप्पी का घर है। मैं आई हुई हूँ उनके बेटे का शादी अटेंड करने के लिए। तो शादी में अभी वक्त है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को कांगड़िया जू लेकर जाया जाए। तो मैं निकली हूँ आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाने के लिए अहमदाबाद जूलॉजिकल गार्डन, जिसका नाम है कांगड़िया जू। और मैं यहाँ आई थी दोस्तों बस पकड़ने के लिए, लेकिन अभी पता लगा है कि दो बस अवेलेबल है यहाँ से, और अभी नहीं, अभी वक्त है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऑटो पकड़ के ही जाऊँ। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे बस स्टॉप अहमदाबाद का कैसा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द मेन टिकट काउंटर ऑफ द बस फ्रॉम वेयर यू कुड गेट टिकट्स। आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों टिकट बुक करवा सकते हो और पेटीएम भी कर सकते हो। दिस इज़ द गुरुद्वारा बस स्टॉप, द नेम इज़ रिटन एट द टॉप एज यू ऑल कुड सी। लेट मी टेक यू ऑल टू द इनसाइड। देखिए, मैं आप लोगों को अंदर की तरफ दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो अच्छे से। दैट इज़ द मेन गेट, यहाँ पे आके बस रुकता है और अपने आप दरवाज़ा खुलता है और फिर यहाँ से पैसेंजर जो है डायरेक्ट बस में चले जाते हैं। मैं आप लोगों को बाहर की तरफ से भी दिखा रही हूँ दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पे बस आके रुकता है। और ये देखिए, बस सीधा रूट है पूरा बस का। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ का बस स्टॉप कैसा है। बस डायरेक्टली आकर रुकता है और आपको बैठना पड़ेगा और बस आपको लेकर सीधा चला जाएगा। आपको ऑनलाइन टिकट बुक करवा लोगे, साथ में अगर चाहो यहाँ पर ऑफलाइन आकर टिकट लेना तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ ऑटो पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है कांगड़िया जू। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों को वहाँ से अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने ले लिया है ऑटो और हम लोग सीधा निकल रहे हैं कांगड़िया जू की तरफ। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बस स्टॉप भी दिखाया जहाँ पर आप लोगों को धूप में खड़ा होकर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे अहमदाबाद में जगह जगह ऐसा बस स्टॉप बना हुआ है जहाँ पर आप इत्मीनान से अपना बैठ कर वेट कर सकते हैं। जो कुछ भी अच्छा लगेगा ना दोस्तों अहमदाबाद में, मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लोर करके अच्छे से दिखाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ गई हूँ कांगड़िया जू अहमदाबाद जूलॉजिकल गार्डन। मैं जा रही हूँ अंदर और आप लोगों को जाकर अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी और साथ ही बताऊंगी आप लोगों को यहाँ का टिकट, एंट्री, सब चीज़। सो फ्रेंड्स, मैंने एंट्री ले लिया है कांगड़िया जू में और आते ही आपको चेकिंग कराना पड़ेगा, साथ में आपको वहाँ पे एंट्री टिकट मिल जाएगा जिसका कॉस्टिंग है ओनली ₹10। यहाँ से एंट्री लेने का ₹10 है। अभी वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे अंदर जाने का जू का अलग से टिकट है। आई डू नॉट नो कि यहाँ एंट्री लेने का इन लोगों ने ₹10 किस बात का लिया है, पता नहीं। यहाँ पे कुछ शायद पार्क की तरह है, कांगड़िया लेक का इन्होंने लिया है ₹10। और अगर आप यहाँ तक रहेंगे तो आपको देना पड़ेगा ₹10, जो कि ये मेन दरवाजा है। और अगर आप कांगड़िया जू के अंदर जाएंगे तो उसका आप लोगों को अलग से टिकट देना पड़ेगा। दिस इज कांगड़िया जू गार्डन एज यू ऑल कुड सी, दिखा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अंदर की तरफ लेकर चलती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं आप लोगों को कैमरा अच्छे से ऊपर की तरफ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द मेन टिकट काउंटर फ्रॉम वेयर यू कुड गेट टिकट्स ऑफ कांगड़िया जू गार्डन। मैं जा रही हूँ टिकट खरीदने के लिए। अहमद ने टिकट खरीद लिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को ऊपर की तरफ कैमरा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा टिकट का प्राइस लिखा हुआ है मगर सारा गुजराती भाषा में है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द मेन एंट्रांस ऑफ दिस जू। और ये देखिए, यहाँ पर टिकट पंच हो रहा है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने टिकट खरीद लिया है और इसका टिकट का कॉस्ट पड़ा है ₹50। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत टिकट है, आप लोग देख लो। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, तो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा ऐसा पूरा मैप, आप लोग देखो, ठीक है। दैट इज़ द मेन एंट्रांस, आप वहाँ से एंट्री लोगे और आपको यहाँ इस तरफ से जाना है, आप यहाँ से जाओगे। आपको आप लोगों को मुझे जो नज़र आएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा एंड कीप ऑन एंजॉयिंग। तो फ्रेंड्स, हमारे कैलकटा का जूलॉजिकल गार्डन का टिकट का एंट्री फी है ₹30 और यहाँ का है ₹50। फर्स्ट एक्सप्रेशन की अगर बात करूँ तो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे वाले जूलॉजिकल गार्डन, मतलब अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन का ज़्यादा खूबसूरत है इन कंपेरिजन टू अहमदाबाद जूलॉजिकल गार्डन इज़ ऑल्सो नोन एज कांगड़िया जू गार्डन। पहले देख रहे हैं, दैट इज गजराज, आप लोग देख लो वहाँ पे। तो एक ही एलिफेंट है यहाँ पे, आगे देखते हैं और क्या है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे है जैकल, आप लोग देख सकते हो, वो देखिए, वो देखिए दोस्तों, वो सुन भी रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हिरन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हिरन, ये देखिए, उसमें से एक वाइट डियर भी है दोस्तों, वहाँ पे आप लोग देखो बैठा हुआ है, कितने सारे झुंड है। तो फ्रेंड्स, ये है नील गाय जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, तो आप लोग देख लो।
फंसी हुई है। तो मुझे समझ में आ गया दोस्तों कि उसको और इसको अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि उसके सर में दो सिंग है और इन लोगों के सर में सिंग नहीं है शायद। तो फ्रेंड्स, मैं इस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर की तरफ आई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर क्या है, और मैं जब ऊपर आई तो अब मुझे देखने को समझ में आया कि यहाँ पे फाउंटेन है और कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए, यहाँ पे आकर आप फोटोशूट भी करा सकते हो, साथ में आप बैठ भी सकते हो, हालांकि कुर्सी जो है वो टूट गया है। अहमदाबाद जूलॉजिकल गार्डन ना मुझे दोस्तों कई हद तक दार्जिलिंग जूलॉजिकल गार्डन की जैसा याद दिला रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस साइड का पूरा घूम लिया है और अब मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ उस साइड जहाँ पर लायन भी है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ईमू जो है ना वो नीचे उतरी थी और मैंने अहमद को कहा कि उसका तुम मेरे साथ फोटो लो, तो वो सुनते के साथ ऊपर की तरफ भाग गई और अहमद कह रहे तुमसे ईमू भी डर गई। मैं कितनी डेंजर हूँ ना दोस्तों, मुझसे सब भाग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टाइगर। गलत टाइम में आ गए हैं, क्योंकि सारा जो जानवर है ना वो अभी सो रहा है। और ये देखिए, मुझे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है दोस्तों, जबकि डू नॉट क्रॉस दिस लिमिट और गुजराती भाषा में कुछ लिखा हुआ है, तो मैं गुजराती पढ़ नहीं सकती हूँ दोस्तों, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इन लोगों को इंग्लिश में भी लिखना चाहिए था कि यहाँ पे ये वाला जानवर है, लेकिन कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर सिर्फ गुजराती में ही लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप लोग देख लो। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट में जैसे ही मैं उतरी थी ना, तो वहाँ पे गिर लायन के बारे में मैंने देखा था और पढ़ा था, तो मैं सोची थी कि मैं जब आऊँगी जू गार्डन तो मुझे गिर फॉरेस्ट का लायन ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से मुझे अभी तक लायन यहाँ पे दिखा नहीं है। हालांकि मुझे अगर दिखने का कोशिश करेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप लोग ये देखिए, अगर आप लोगों को दिख जाए दोस्तों, नो दोस्तों, देयर इज़ नो लायन। और हाँ, मुझे ईमू मिल गया दोस्तों, जो मुझसे भाग गया था। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, तो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोगों को ईमू भी दिखा दिया। ये देखिए, ये लोग भाग गया था जब मैं जा रही थी इन लोगों का वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, अहमद कह रहे हैं कि शेर देखना है ना तुमको, तो मैं तुमको दिखा कर छोड़ूंगा, और उन्होंने सेक्शन ढूंढ लिया है, तो मैं फाइनली जा रही हूँ लायन देखने के लिए, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। दोस्तों आप लोग, ये सारा पूरा लायन का है, लायनस का है, और चिता का है, लियोपार्ड का है, लेकिन पता नहीं क्यों दोस्तों ईच एंड एवरी वन इज स्लीपिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब सो क्यों रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ इन लोगों का लाइफ। जो उठे हुए हैं जानवर, मैं उन लोगों को दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, और जो सोए हुए हैं उन लोगों को उठा कर तो नहीं दिखा सकती हूँ ना दोस्तों, उठाने जाऊँगी तो मैं ही उठ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हॉग डियर, बहुत ज़्यादा गजब की बात है। कैलकटा का जो जूलॉजिकल गार्डन है, वहाँ पे जितने जानवर सारे जागे रहते हैं, वो सारे जानवर यहाँ पे सो रहे हैं, और जो मोस्ट प्रोबेबली जो जानवर कैलकटा में हमेशा मैंने सोया हुआ उसको पाया है, वो अहमदाबाद जूलॉजिकल गार्डन कंकारिया गार्डन में जागा हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो, दैट इज़ हिप्पोपोटामस। फ्रेंड्स, अगर टाइमिंग की बात करूँ ना ये वाला जूलॉजिकल गार्डन का, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम की 6:15 तक ऑन रहता है। और अगर आप लोगों का उस वक्त यहाँ से घर नहीं जाने का दिल हो रहा है, तो बाहरी में है आपका कांकड़िया लेक, जहाँ पर आप बैठकर स्पेंड कर सकते हो अपना टाइम। प्लस तो फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ एल्बिनो स्पॉटेड डियर, ये देखिए। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वाइट ब्लैक बक डियर।
इतने देर तक इसलिए दिखाया है ना दोस्तों, क्योंकि इस वाले ब्लैक एंड वाइट बग से बहुत बड़ा एक स्कैंडल जुड़ा हुआ है। मैं अभी आप लोगों को नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वाइट ब्लैक बग इसका नाम है, आप लोग देख लो। ये बनता है दोस्तों, इसको ज़्यादा देर तक दिखाना बनता है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि ये जो इसका जो स्कैंडल है ना, बहुत बड़े हमारे सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने है एलिगेटर और मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखा रही हूँ एलिगेटर। लेकर जा रही हूँ क्रोकोडाइल दिखाने के लिए, तो मेरे सामने में ही क्रोकोडाइल है। ओह माय गॉड, वो देखिए दोस्तों। फ्रेंड्स, ये भी सेक्शन है, आप इसके अंदर भी जा सकते थे, लेकिन अभी इसको पता नहीं क्यों बंद करके रखा गया है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक बग, ऑटर और भी बहुत सारे जानवर दोस्तों, लेकिन अभी इन लोगों को शायद उस तरफ शिफ्ट कर दिया गया है और इसको रेनोवेशन में रखा गया है, इसलिए इस तरफ का सेक्शन बंद है। मुझे दिख रहा है दोस्तों एक मज़ार जो कांकड़िया जू गार्डन के अंदर ही है, तो मैं आप लोगों को उसको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मज़ार है ना दोस्तों, ये मैं बाहर की तरफ ही हूँ, अंदर की तरफ नहीं जा रही हूँ। अंदर वहाँ अहमद खड़े हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि कांकड़िया जू गार्डन के अंदर भी कोई मज़ार अवेलेबल हो सकता है। मैं खुद देखकर हैरत हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन इससे पहले मैंने देखा कि एक आदमी वहाँ पर खड़ा होकर कुछ फातिहा पढ़ रहा है, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि वो मज़ार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अलग से रिप्टाइल हाउस है, आप लोग देख सकते हो, जो मेरे पीछे ही है, और मैं उसके अंदर जा रही हूँ और जो कुछ भी मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। आइए दोस्तों, छोटे छोटे आप लोग दिखाओ उनको, ये देखिए। दो है दो।
ये था पूरा रिप्टाइल सेक्शन जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। कोलकाता का जूलॉजिकल गार्डन भी एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखा चुकी हूँ अपने चैनल पर, तो मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में मैं अपना FB ID एंड Instagram का ID भी लिंक करूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों का मन करे तो मुझे फॉलो कर लेना Instagram और Facebook में। जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता का जो मैं दूंगी ना दोस्तों लिंक, तो अगर आप लोग अगर उसको कंपेयर करके देखना चाहे कि विच वन इज द बेस्ट, अहमदाबाद जूलॉजिकल गार्डन या फिर कोलकाता का, तो आप लोग दोनों अब जूलॉजिकल गार्डन को मेरे चैनल पर देख सकते हो। मैं अपने उस वाले वीडियो का लिंक अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो गो एंड चेक इट आउट। तो ये है फ्रेंड्स अहमदाबाद जूलॉजिकल गार्डन विच इज आल्सो नोन एज कांकड़िया जूलॉजिकल गार्डन, जिसको मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाया। आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।